राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के डायरेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजन विकास भवन के सभागार में किया गया। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांवों में महिलाओं का समूह बनाकर कार्य करने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में भारत सरकार के डायरेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत महिलाओं को विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशिक्षित किया जाए तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किया जाए, जिससे गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सर, ये टारगेट रखे हैं जो हमारा जो नए ब्लॉक लिए गए सर, इंटेंसिव में पहले 14 ब्लॉक थे सर, 6 नए ब्लॉक लिए गए हैं सर। ये 6 ब्लॉक अभी हमारे 1300 भारत के अभी हमारे पास डिमांड आ गया सर, जिसको हम लोग जैसे ही मिशन से डायरेक्शन मिलेगा तो हम लोग दे देंगे। अभी सर सबसे उसके लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो ग्रामीण बैंक था सर, जो यूपी बड़ौदा बैंक के नाम से उनके साथ जो पार्टनरशिप कर रहा है, उनका सर प्लेटफॉर्म अलग था, तो ये लोग अपग्रेड कर रहे हैं। तो जैसे ही हो जाएगी तो उन्हें जो कमिटमेंट है वो पूरा करना है, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ाना है सेट, क्योंकि हमें तो ये बताया गया 8000 पूरे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया निकलती है, मेरी इनिशिएटिव है। आप देखेंगे तो इतना अच्छा है कि इसको उनको मिलेगा और प्लस लोगों को जो बैंकिंग सर्विस नहीं मिल पाती है छोटे, जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि सबको यूनिवर्सल कवरेज करो, इंश्योरेंस कराओ, तो वो मॉडल में भी हेल्प करेंगी कि आपका कोई प्रोडक्ट है मतलब एज ए होल। अभी आप लोगों को पता होगा कि सक्षम सेंटर इंडिया में बनाए जा रहे हैं सर, तो सेंटर का उद्देश्य यही है कि क्योंकि गांव में क्या है, आज जो भी इंफॉर्मेशन गाँव में किसी को कुछ चाहिए, किसी महिला को चाहिए, तो वो डॉक्टर सेंटर पहुँच रहे हैं।